हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दोस्त वीरा सिंह मैं बहुत परेशान हूं। दोस्त वीरा सिंह, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा दोस्त यशपाल सिंह हूं। मैं परेशान हूं दोस्त, दरवाजा खोलो। सिपाही, दरवाजे को खोलो। देखो, हमारे यशपाल की आवाज आ रही है, दरवाजे को खोल दो। ठीक सर। ये मैं क्या देख रहा हूं? आपकी आंखों में आंसू? नहीं मेरे दोस्त, ये क्या है आपके आंखों में आंसू? ये शोभनी नहीं है। बात क्या है, क्या हुआ है आपको? एक ग्रेट वेरियस कमांडर चीफ हैं आप। सर आपको क्या हो गया? क्या हुआ? व्हाट इज रॉन्ग विद यू माय फ्रेंड? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तेरे को देख करके मेरा कलेजा फट रहा है। किस गम में हो मुब्तिलाम और आए हो मुझे तू दे बता हो मुश्किल आसान। दोस्त मुझे तू दे बता हो मुश्किल आसान। दोस्त तू क्यों नहीं बोल रहा है? बोल, ए क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? जा करके इस नाश्ते का इंतजाम कर। देखता नहीं दोस्त आया है तो प्लीज भी यार बैठिए। रो रो आंसू बहावो नहीं, हाल दिल दोस्त मन सब आया कीजिए। क्या मुसीबत पड़ी शीश पे आन करी, चंद लम्हों में किस्सा बयां कीजिए। क्या मुसीबत पड़ी शीश पे आन करी, चंद लम्हों में किस्सा बयां कीजिए। कम प्लीज स्पीक आउट प्लीज। तो सर पे बिजली आ गिरी, फूट गई तकदीर। ऐसी बिजली आ गई? पे बिजली आ गिरी, फूट गई तकदीर। और जुबान ना कुछ कहे पा रही, दिल इतना किले में मेरे बेमौत मारी गई। दोस्त मुझसे सहारा है छीना गया, संपदा शान शौकत हमारी।
से सहारा है छीना गया, संपदा शान शौकत हमारी गई। दोस्त सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया, सुंदरी का खून हो गया, किसने किया ये खून? दोस्त मुझे कुछ नहीं है मालूम कि खून किसने किया, मौजूद नहीं था, सीमा पर था, अचानक सीमा पर सुंदरी की याद आई और जब पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम अपने दुश्मनों के नाम बतलाओ। दोस्त किसे अपना दोस्त कहूं, किसे अपना दुश्मन कहूं? बच्चों जैसी बातें करते हो, तुम इस मुल्क के एक सेनापति हो और जब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो तुम्हारी पत्नी का कत्ल कैसे हो गया? तू डरता है क्या यार? दोस्त मैं तेरा जिगरी दोस्त हूँ। कुछ नहीं है मालूम, मैं वही ठाकुर वीरा सिंह हूँ जिस समय तू मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, एक क्लासमेट था, इंटरमिशन में तू मेरी रोटियां लेकर के भागा करता था और मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता था। डरता क्यों यार? तू अफ्रॉड माय फ्रेंड नो बोल। दोस्त मुझे कुछ नहीं है मालूम। ओ गॉड। अच्छा ये बतला कि मैं तेरी हेल्प इस समय क्या कर सकता हूँ? दोस्त ये फॉर्मेलिटी तू मेरे ऊपर, एक छोटा सा उपकार। कैसा उपकार बोल? दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, इसको जाकर कहीं पे बचा लेना तुम। ताउमर मानूंगा सर पे एहसान को, संपदा शान शौकत। ये मेरा बेटा बगैर माँ के हो गया, मेरे बेटे की ममता को किसी दुश्मन ने छीन लिया। आज तू अपना बच्चा मेरे को दे रहा, अपने कलेजे के टुकड़े को मेरे को सौंप रहा है। अब इसकी जिंदगी को बचाना मेरा पहला मकसद होगा। क्यों नहीं सर? तू घबरा नहीं, एक बात जाते जाते बतला दे कि बॉर्डर पे कोई ऐसा फौजी जवान तो नहीं जिससे नहीं लगता? बॉर्डर पे कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जो सुंदरी का खून कर सके। कोर्ट के अंदर कोई ऐसा कोर्टियर तो नहीं था, कोई ऐसा लीडर था, कोई ऐसा सोल्जर था जो दुश्मनी रखता? नहीं, किसे अपना दोस्त कहूं, किसे अपना दुश्मन कहूं? राज दरबार में महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते हैं और मंत्री कृपाल सिंह वो हमें भाई के समान मानता है, तो कौन सुंदरी का खून कर सकता है? यशपाल सिंह तू अपना ख्याल रखना और बच्चे को मैं बचाऊंगा। दोस्त और मैं खोज निकालूंगा उन दुश्मनों को। सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है और ये खबर राज दरबार महाराज को तक पहुंचा दूं कि सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। दोस्त ये मेरा बेटा है और जब मैं वापस आऊंगा तो अपने बेटे को लेकर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी चुनारगढ़ रियासत में नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। ये तेरा बेटा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। दोस्त मेरी अमानत को संभाल कर रखना, मेरी अमानत को संभाल कर रखना, इसे कुछ होने ना पाए। इसे कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं। हो
जोशी भाई, देखा ये हमारा जिगरी दोस्त है। क्यों नहीं सर, हम बचपन के दोस्त हैं। वो समय एक था कि हम दोनों दोस्त एक साथ पढ़ते थे और हमेशा एक साथ खेलते थे। ये जहाँ भी जाता था मैं इसके साथ में जाता था। क्यों नहीं सर, भोजन करने के लिए बैठता था तो एक ही थाली में खाता था। और आज कई दिनों के बाद मेरा दोस्त मेरी हवेली पे आया तो इस नन्हे मुन्ने बच्चे की जान को मेरे इस हालत में। हमारा दोस्त सेनापति की नौकरी की और मेरा परिवार फ्लैग के हादसे में मार दिया गया। मैं कोई भी सर्विस ना करके हमें घर का भार मेरे सर पे आ गया। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि दोस्ती क्या होती है, फर्जयारी क्या होती, इंसानियत क्या होती है। उम्र में तो मैं इससे बड़ा था लेकिन अब दिखाऊंगा कि हिंदू और मुसलमान के बीच के रिश्ते क्या होते हैं। अब मैं अपना नाम ठाकुर बीरा सिंह बदल करके एक अब्बास फकीर के नाम से मशहूर हो जाऊंगा और फकीर के साए में रह करके उन ज्यादियों को खोज निकालूंगा जिसने हमारे दोस्त के आंखों में आंसू लाए। और जब तक मैं उन्हें खून के आंसू नहीं रुला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बेटे चल मेरे साथ, तुम इस हवेली की देखभाल करते रहना। मुझे विश्वास है कि कोई नजदीकी दुश्मन है जरूर कोई। अगर उसे ये मालूम पड़ गया कि ठाकुर बीरा सिंह के यार यशपाल सिंह का बेटा पल रहा तो मेरे नामौजूदगी में बच्चे को कुछ भी हो सकता है। जरूर कोई दोस्त के भेद में दुश्मन छुपा हुआ है। इस बच्चे को लेकर के हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। नहीं सर, आप यहाँ से चले जाएंगे तो हवेली सल्तनत जागीर सब वीरान हो जाएगी। इसकी रखवाली तुम करोगे, भगवान ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। बेटे तुम मेरे साथ चल, आज के बाद तेरा नाम सरवर नहीं होगा, लोग सुंदर नहीं होगा, लोग सरवर के नाम से जानेंगे। आज के बाद तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है। मैं जा रहा हूँ, हो सके तो हमारी जंजीर जमीन जायदाद हमारे घर की रखवाली करना। आप चिंता ना करें सर, ये हवेली जागीर संतलत सब हम संभाल कर रखेंगे। जब तक आप नहीं आएंगे इस हवेली में चिराग जलता रहेगा। मंत्री इकबाल सिंह महाराज, आज क्या बात है, मुझे पहाड़ी किले की याद आ रही है और हमेशा सुंदरी का ख्याल मेरे दिल में आता है। सम्राट, पहाड़ी किले पर सुंदरी ने आपको याद किया होगा, इसीलिए सुंदरी की याद आपको आ रही है। और सम्राट, अगर सुंदरी आज दरबार में आती है और नहीं आती है तो फजर होते ही पहाड़ी किले की तरफ रवाना हो जाना और आपके साथ मैं भी चलूंगा। कृपाल सिंह तुम ठीक कहते हो, कल फजर होते ही हम पहाड़ी किले की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो नहीं सम्राट, यशपाल सिंह क्या बात है, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कौन सा सदमा है, पहाड़ी किले पर कोई हादसा हो गया या कि फिर सरहद पे कोई हादसा हुआ है? बोलो यशपाल, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। महाराज, सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। खून? यशपाल सिंह, ये क्या कह रहे हो? सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। यशपाल सिंह वो कौन सा शख्स है, किस हरामजादे ने सुंदरी का खून किया है? जिस सुंदरी को मैं अपनी पुत्री की तरह समझता था आज वही सुंदरी का खून सुन रहा हूं। महाराज, मुझे कुछ नहीं है मालूम,
कि सुंदरी का खून किसने किया। लेकिन ये बताओ, यशपाल सिंह सुंदरी की लाश कहाँ है? सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है। पहाड़ी किले पर? ठीक है यशपाल सिंह और कृपाल सिंह, महाराज तुम लोग मेरे साथ चलो, और सुनाई जी महाराज तुम भी मेरे साथ चलो, हम उस पहाड़ी किले पर चलकर सुंदरी की लाश का निरीक्षण करेंगे। तुम लोग आओ मेरे साथ। चलिए सम्राट, नहीं सुंदरी का खून नहीं हुआ, सम्राट सुंदरी का खून नहीं हुआ, बल्कि खून राजकुमारी गुलशन की मां का हुआ है। राजकुमारी गुलशन की मां का खून कृपाल सिंह किसी बेदर्दी ने ही किया होगा, किसी बेदर्दी ने ही किया होगा। सम्राट पहाड़ी किले पर चलिए और सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया जाएगा। सम्राट पहाड़ी किले की तरफ चलिए। ठीक है कृपाल सिंह, तुम मेरे साथ चलो, तुम ठीक कहते हो, सुंदरी का खून नहीं बल्कि हमारी बेटी गुलशन की मां का खून हुआ है। चलो मेरे साथ, तुम लोग साथ में आओ। जिस सुंदरी को हमेशा हम अपनी पुत्री की तरह समझते थे, आज वही सुंदरी की लाश अपनी नजरों से देख रहे हैं। हरामजादे कातिल कमीने खूनी, सुंदरी को मारकर तुझे क्या मिला है, क्या मिला है कृपाल सिंह? सम्राट सुंदरी की लाश की तलाशी लो, हो सकता है कि कातिल का कोई प्रूफ सुंदरी के लाश के इर्द गिर्द तो नहीं छूट गया है। क्यों नहीं महाराज? सम्राट सुंदरी की लाश का निरीक्षण मैं करूंगा, अगर उसके पास से कोई सबूत मिलता है तो उस कातिल तक पहुंचने में आसान होगा। सम्राट हाँ कृपाल सिंह, मैं निरीक्षण करूंगा। सम्राट सुंदरी का खून बड़ी बेदर्दी के साथ किया गया है। सुंदरी के जिस्म के ऊपर एक निशान शमशीर का है, जो गहरा निशान है, और दो निशान गोलियों के हैं, जो सुंदरी के जिस्म को पार करके गोलियां बाहर निकल गई हैं। सम्राट गोलियां बाहर निकल गई हैं और सुंदरी की लाश का निरीक्षण करते समय सुंदरी के सर के नीचे से ये पत्र बरामद हुआ है। महाराज ये पत्र पढ़ा जाए, शायद सुंदरी
मरने से पहले उस कातिल का नाम लिखकर छोड़ गई हो। क्यों नहीं महाराज, इस पत्र को पढ़ा जाए महाराज। कृपाल सिंह ये लो पत्र और उसे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। सा सत्यजीत सिंह चुनारगढ़, मैं मरने से पहले ये आखिरी खत लिख रही हूँ। महाराज ये सुंदरी का ही लिखा हुआ खत है। हाँ, क्यों नहीं सम्राट, मुझे भी विश्वास हो रहा है मरने से पहले ये खत सुंदरी नहीं लिखा होगा। हाँ, क्यों नहीं महाराज। और सेनापति यशपाल सिंह, आपके संबंधों पर झूठा इल्जाम लगा करके मेरा खून कर दिया। नहीं, मेरे हत्यारे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा दो। देखा महाराज, ये मेरे साथ शतरंज की चाल चली जा रही है। खामोश यशपाल सिंह, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि साबूत मेरे हाथ में है और सुंदरी ने अपने हाथों से लिखा है। हाँ, इसमें सुंदरी की राइटिंग और सुंदरी के शायर मौजूद हैं। इससे मालूम होता है कि कातिल तू ही है। सिपाहियों महाराज, सुंदरी की लाश उठाओ और ले जाओ हमारी चमन में। आज मैं अपने हाथों से सुंदरी की लाश का अंतिम संस्कार करूंगा और उसी चमन में इसकी कब्र बनवा दूंगा ताकि हमेशा के लिए यादगार रहे। नहीं महाराज, सुंदरी की लाश नहीं ले जाने दूंगा। महाराज महाराज सुंदरी की लाश मैं नहीं ले कमीने, और खड़ा हो जा। यशपाल सिंह, मैं सब कुछ समझ गया हूं और अक्ल मेरी हैरा हुई देख के खत मजमू। अक्ल मेरी हैरा हुई देख के खत मजमू। बोल खरामजादे, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे ऊपर लांछन लगाकर तूने अपनी पत्नी सुंदरी का खून किया। नहीं महाराज, मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। खरामजादे झूठ बोलता है। इस पत्र में सब कुछ लिखा था, सुंदरी की राइटिंग और सुंदरी के शाइन मौजूद थे। इससे मुझे मालूम हो गया कि सुंदरी का कातिल तू ही है। सिपाहियों, हाँ जी, हाथ कर ले आओ और शाम जाने यशपाल सिंह के हाथों में हाथ कर ले आओ और उसकी वर्दी फौरन उतरवा लो। हराम जादे यशपाल सिंह कमीने, मुझे मालूम हो गया कि खून तूने किया है और अक्ल मेरी चकरा गई देख के खत मजमू। अक्ल मेरी चकरा गई देख के खत मजमू। चौबे पाजी पुछले किया तुझने। Yeah,
खून अर्श पर जाकर आग लगा दी। किया तुशी ने खून अर्श पर जाकर आग लगा दी। क्यों बे बाजी पुछ दिले मेरी शान खटा दी। ना जिंदा रखूं तुझको मेरी औकात भुला दी। और लानत है सौ बार कमीने अपनी सौगात लुटा दी। शक्ल आकर दिखलाई हा और तरसना तुझे कसाई। मुझे सीख सिखाने आया, मुझे सीख सिखाने आया। और छीन अफसरी मिटा दू हस्ती चूनर में दाग लगाया। मैं निर्दोष हूं, ये खून किसी और ने किया। सुंदरी मेरी पत्नी थी, मैं अपनी पत्नी का खून नहीं कर सकता। महाराज शाह हर तौर से मुझको मारा गया। जीने का छीना सहारा गया। बचने का है कोई चारा नहीं। महाराज मैं निर्दोष हूं, सुंदरी का खून नहीं किया। सुंदरी का खून नहीं किया। शिवाजी इसकी वर्दी उतारो। तो हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया, मुस्क बांधो नखी पल की देरी करो। मार हंटर से इसकी उड़ा खाल दो, डाल दो जेल में अपन तेरी। कृपाल सिंह महाराज, महाराज को समझा दो। महाराज क्रोध में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूं कि महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते थे और सुंदरी का खून नहीं किया। मंत्री जी महाराज को समझा दो। यशपाल सिंह, यशपाल सिंह सम्राट सुंदरी को बेटी के समान मानते थे और
जिस तरह से उनकी बेटी लाल तुम्हारी गुलशन थी उसी तरह सम्राट सुंदरी को मानते थे, लेकिन सुंदरी और सम्राट के संबंधों पर तुझे शक हुआ कि सुंदरी और सम्राट के संबंध नाजायज संबंध है। नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। यशपाल सिंह वो खत गवाह बनकर के सामने खड़ा था और सुंदरी का शायन था, इसलिए सुंदरी का खून कोई दूसरा नहीं बल्कि तूने किया है। और फिर भी कहता है सम्राट को समझा दो। अरे क्या समझा दूं सम्राट को, सम्राट कोई नादान है? वाह, कौन सी चाल चल रहा है यशपाल सिंह? तो वाह, सम्राट को कैसे समझा रहा है? किसी दीगर बसर को है उलझा रहा। लाख कोशिश करने के बाद तू बच नहीं सकेगा, क्योंकि सुंदरी के खून का इल्जाम तेरे ऊपर साबित हो गया है। यशपाल सिंह, अब तू नहीं बचेगा और सुंदरी के खून के इल्जाम में तुझे सजा मिलेगी। अब बच सकेगा नहीं इस जुर्म से, और शक्ल अपनी दिखाने यहां आ गया। सुंदरी का खून करने के बाद तुझे भी आत्महत्या कर लेना था, लेकिन अपनी शक्ल दिखाने के लिए दरबार में आ पहुंचा कि सम्राट मेरे ऊपर जुर्म नहीं साबित कर पाएंगे। अपना जुर्म बचाने के लिए सम्राट के सामने गिड़गिड़ाने आ गया। सम्राट, हे सुंदरी के कातिल को शक्त से शक्त सजा मिलना चाहिए। यशपाल सिंह, मैं तुझसे कुछ और पूछना चाहता हूं। बोल, तेरा मासूम बेटा सुंदर कहां है? महाराज, मेरा बेटा सुंदर मर चुका है। मैं समझ गया कि तूने अपने हाथों से अपने बेटे का खून किया और अपनी पत्नी का खून किया। दावे की साबुत कोई ना रही। सिपाही को देर मत करो, इसकी वर्दी उतारो और उसके हाथ मत के जाल कर इसे जेल में डाल दो। इसके चिस्म से ये सेनापत की वर्दी उतार लो, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़िया डाल दो, गले में टोंग डाल दो और ले जाकर के सलाखों के अंदर बंद करो। तब मैं देखूंगा यशपाल सिंह के बच्चे को, सारी हेकड़ी भुला दूंगा। मैं चल रहा हूं, जाते वक्त अपनी सजा सुन ले कि तुझे इस जुर्म में 20 साल की सजा हुई है। सिपाहियों, देर मत करो, इस हरामजादे को घसीट कर ले जाओ,
इसे जिंदान में डाल दो। कान खोल करके सुन लो, हमारे खिलाफ बातें नहीं होना चाहिए। अगर जब मेरे खिलाफ बातें पैदा हुई तो याद रखो, ओए इसका अंजाम दर्दनाक होगा। सीने पर इतनी गोलियां मारूंगा। अगरचे मुझसे बगावत पैदा करने की कोशिश की, सीने पर इतनी गोलियां मारूंगा कि परिवार के लोग छर्रे पहचान गिनने से इनकार कर देंगे। ओए तुम लोग भी गालियां देना बंद कर दो, गालियां देना बंद कर दो। अगरचे गालियां दोगी, अगरचे मुझे गालियां दोगी तो मैं तुम्हारे घर में आग लगवा दूंगा, सारा घर जलकर खाक हो जाएगा, फिर जिंदा नहीं बचोगी। चौखट पे आओगी, ठोकर मार करके भगाऊंगा। याद रखना आलम पुराइन,